हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि संडे से लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जो शाम को 7 बजे से चलती है। तो अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ये क्लास पूरी तरह से फ्री है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और 15-20 दिन, एक महीना, जितना भी टाइम लगेगा उसको खत्म करूंगा पूरी टैली। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। डेली 1 घंटा 1.5 घंटे की लाइव क्लास होगी 7 बजे शाम से। तो संडे से स्टार्ट हो रही है ये क्लास, तो ज़रूर जुड़िए और भी लोगों को जुड़िए, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल फ्री है। पूरा टैली आपको फ्री में सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर जुड़िए आप लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोल नंबर लिखा गया है या स्टूडेंट का नाम है और तमाम सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट 1 है 2 है। यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल करना है। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला कैसे शुरू होता है? इक्वल्स टू से। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? सम। सम जो है एड करने का फॉर्मूला होता है, लगा लीजिए और फिर यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पर इसका सेल एड्रेस आ जाता है। अब इसको बंद करके एंटर कर दीजिए, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, इसी पर डबल क्लिक कर दीजिए, सब आ जाता है। ये तो बड़ा आसान था, लेकिन ये रेंज जब बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे रोल नंबर 500, 600, 1000 तक चला आता है, तो हमें एक समस्या खड़ी होती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट का गार्जियन आए और वो पूछे कि मेरे बच्चे का रोल नंबर ये है, तो आप साइड में क्या करोगे? यहाँ पे रोल नंबर को कॉपी कर लोगे या लिख लोगे, जैसे रोल नंबर लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही लिख लोगे। और फिर वो जो भी पूछे, जैसे मान लीजिए टोटल पूछे, तो टोटल यहाँ ले लीजिए, ये टोटल ले लिया। दो चीजें हमने ले ली है, देखिए ध्यान से। अब करना क्या है आपको? अब यहाँ पे टोटल चाहिए ना, तो यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना होगा। वो आदमी बताएगा कि मेरे बच्चे का रोल नंबर 5 है, ठीक है। तो 5 मेरे बच्चे का रोल नंबर है, तो उसका आपको बताना है नंबर, टोटल बताना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा वी लुकअप लगाइए, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? रोल नंबर 5 की। अच्छा, वी लुकअप हमेशा लेफ्ट साइड से ही सर्च करता है, ये वी लुकअप की क्वालिटी है। अब ये रोल नंबर के इधर अगर कोई होता, यानी कि रोल नंबर के और भी, हालांकि दिया नहीं हुआ है, लेकिन रोल नंबर के लेफ्ट में अगर कोई डेटा होता तो उसको लुकअप नहीं कर पाता, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर कॉमा लगाइए, फिर पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाइए। ये टेबल एरे सेलेक्ट किया, अब आपको क्या करना है? F4 दबा के फ्रीज करना है। तो देखिए F4 दबाते ही डॉलर लग गया सबके पहले, A के पहले डॉलर, 1 के पहले डॉलर, I के पहले डॉलर, 7 के पहले डॉलर, सबके पहले डॉलर लग गया। कॉमा दे दीजिए और यहां लगाइए मैच का फॉर्मूला। तो ये मैच का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अच्छा, ये सेलेक्ट करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। जैसे यहां से जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया है वो एक यहां से छूट गया, ये देखिए, ये पूरा डेटा आएगा यहां तक का, ठीक है ना। तो ये पूरा डेटा ही आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक भी कम या एक भी ज्यादा सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या करना है? अब यहां मैच का फॉर्मूला लगाना है। देखिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसके पहले भी मैंने मैच के फॉर्मूले के बारे में काफी बताया है। ये बड़ा आसान है, ये आपका डेटा आसानी से फेच करा देगा। ये कह रहा है मैच में लुकअप वैल्यू, किसको हम लुकअप करना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे कह देते हैं हम टोटल को लुकअप करना चाहते हैं, कॉमा दे देते हैं। टोटल कहाँ मिलेगा? ये देखिए, ये जो हेडिंग है इसी के अंदर तो टोटल मिलेगा हमें। तो इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, F4 दबा के फ्रिज कीजिए और फ्रिज करने के बाद कॉमा लगाइए। और कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है? हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। देखिए पहला दिया है लेस देन, हमें लेस देन चाहिए नहीं, हमें ग्रेटर देन चाहिए नहीं, हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो यहाँ पे 0 लिखिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, कॉमा लगाइए, वी लुकअप में भी यहाँ पे 0 दीजिए, ठीक है, और एंटर करिए। और ये देखिए रोल नंबर 5 का जो टोटल है वो 320 नंबर आया है। तो जरा चेक करते हैं रोल नंबर का 5 का 320 नंबर आया है या नहीं। तो जरा देखिए 320 है, ठीक है। अब मान लीजिए रोल नंबर 5 का नहीं देखना था, रोल नंबर 1 का देखना था। तो ये देखिए 1 का 246 है, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक डिफरेंट कलर से इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए 246 है कि नहीं। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ और देखना हो, रोल नंबर 3 देखना हो, जो भी देखना है उसका टोटल सीधा सीधा यहाँ दिखा देगा। तो बड़ा मजेदार है, बड़ा आसान है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको अच्छा लगेगा। और याद रखिएगा, टैली के लाइव क्लास के लिए जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, इन सब की भी लाइव क्लासेस चलाऊंगा इन्हीं छुट्टियों में। अगर आप जिस टाइम के हिसाब से कहेंगे उस टाइम के हिसाब से ये क्लासेस ली जाएंगी। फिलहाल तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।